दोस्तों, क्या आप जानते हैं आउल कैफे यानी उल्लुओं के कैफे के बारे में? दरअसल यहाँ पर उल्लुओं पर काम पर लगे देखकर कुछ लोगों को तो ये दिलचस्प लगता है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये क्रूरता है। दोस्तों, दुनिया में अलग अलग जगहें हैं और उनकी अपनी अलग अलग खासियत। कुछ जगहें तो ऐसी भी हैं जो अपने अजीबोगरीब डेस्टिनेशंस की वजह से मशहूर हैं। इस वक्त एक ऐसा ही कैफे चर्चा में है जहां लोगों का स्वागत करने के लिए इंसान नहीं बल्कि उल्लू मौजूद होते हैं। आप ये नज़ारा देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि रिसेप्शन पर उल्लुओं की कतार नजर आ रही है। यहाँ पर उल्लुओं को काम पर लगे देखकर कुछ लोगों को तो ये दिलचस्प लगता है, पर कुछ लोगों को क्रूरता लगती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उल्लू करते क्या होंगे, तो देखिए ये जिसमें आपको ये अनोखा कैफे दिखाई देगा। ये कैफे अबू धाबी में पहला उल्लुओं का कैफे है। ये कैफे हर दिन दोपहर में 2 बजे खुलता है। इसकी वजह ये है कि उल्लुओं को पूरी रात और सुबह तक आराम करने का मौका मिल सके। जब कैफे बंद हो जाता है तो उन्हें आजादी से घूमने के लिए छोड़ दिया जाता है। कैफे का नाम बुमाह कैफे है। ये कैफे जापान की आउल कैफे से प्रेरित होकर बनाया गया है। इसमें कई उल्लू अपने नाम और टैग के साथ भी आपको दिखाई दे जाएंगे। कैफे के ओनर मोहम्मद अल शेही हैं। उन्होंने बताया कि उल्लुओं के कमरे को शीशे से बांटा गया है। यहाँ आने वाले लोग उन्हें दूर से देख सकते हैं, लेकिन अगर वो उनके पास जाना चाहते हैं और उनसे बात करना चाहते हैं तो इसके लिए AET 70 यानी लगभग 1500 रुपए देने होते हैं। लेकिन उन्हें उल्लुओं की आजादी की भी चिंता है। ओनर के मुताबिक कैफे के ज्यादातर उल्लू ऐसे हैं जो कि दिव्यांग हैं और वो जंगल में नहीं रह सकते, ऐसे में यहाँ उनकी देखभाल की जाती है। दोस्तों, कैसा लगा आपको इस कैफे के बारे में जानकर, हमें कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए।